सो हे गाइस, अगर आप लोग YouTube पर किसी भी तरह की स्टेज वाले चैनल रन कर रहे हो या फिर आप लोग आगे चलकर YouTube पर किसी भी तरह की स्टेज वाले चैनल ओपन करने की सोच रहे हो तो यार गाइस आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो स्टेज वाले YouTube चैनल होते हैं उसे यूट्यूब मोनेटाइज करता है या फिर नहीं, और अगर बाई चांस वो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करता तो आप लोगों को कुछ कुछ ट्रिक्स है जिसे फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप लोग उस चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। बट वो कौन कौन से ट्रिक्स है और आपका चैनल को मोनेटाइज करेगा या फिर नहीं, इन्हीं सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आप लोगों के छोटे-छोटे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो आज के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि YouTube ने पहले ही बोल रखा है कि जो स्टेज वाला YouTube चैनल है उसे हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ऐसा कौन सा वीडियो है जिसे हम स्टेज शो बोल सकते हैं। जैसे कि मान ले जाए कोई स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, कोई स्कूल में डांस हो रहा है, आप लोग वहां पर गए, उसे रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ उसी तरह की स्टेज वाले कंटेंट ही अपलोड कर रहे हो, तो इस कंडीशन में जो यूट्यूब रहेगा वो सीधे आपके चैनल को मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट कर देगा, सीधे आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा। अब आप लोगों को प्रूफ चाहिए, यहां पर आप लोग देख सकते हो एक भाई का स्टेज वाला चैनल है। यहां पर ये भाई करता क्या था, जितने भी स्टेज में शो होते थे उन सभी को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते थे, और इनके चैनल पर आज के डेट में जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम, वो पूरा कंप्लीट है। उसके बाद भी जब इसने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया तो वहां पर यूट्यूब की तरफ से क्या रिप्लाई आया वो आप लोग यहां पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आप लोगों के सामने शो कर दूंगा, या फिर उस भाई का जो कमेंट रहेगा उसे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाला। मतलब यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्टेज वाले यूट्यूब चैनल होते हैं उसे यूट्यूब बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करेगा। बट यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जिसे फॉलो करके आप लोग बहुत ही आसानी से अपने स्टेज वाले यूट्यूब चैनल को बहुत ही आसानी से मोनेटाइज करा सकते हो। तो कंडीशन क्या है ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोग चाहते हो कि मेरे अगल बगल में या स्कूल में जहां भी कहीं भी हो स्टेज शो बहुत ज्यादा होता है और आप लोग उसी तरह की चैनल को रन करने की सोच रहे हो, तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो की स्टार्टिंग में खुद का इंट्रो दे देना है। तो गाइस मेरा नाम ये है, मेरे चैनल का नाम ये है, और आज हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं और यहाँ पर बहुत ही कमाल का स्टेज शो होने वाला है, तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए प्रयास तक जरूर देखना। कुछ इस तरीके से आप लोगों को बोल देना है और उसके बाद जो स्टेज शो की वीडियो रहेगी उसे बीच में पूरा ऐड कर देना है, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को खुद का आउट्रो दे देना है। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, और आप लोगों को और भी इसी तरह की वीडियोस चाहिए या फिर नहीं ये भी आप लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मतलब इस तरीके से आप लोगों को वहां पर इंट्रो और आउट्रो दे देना है। ऐसा करने से होगा क्या, वहां पर आपका भी कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पर ऐड हो गया, तो इस कंडीशन में आपका जो यूट्यूब चैनल रहता है वो बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाता है। बट गाइस यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप डायरेक्ट गए कहीं स्टेज शो में सीधा रिकॉर्ड किए और सीधे के सीधे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए तो आप तो भूल जाओ कि आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है। आप लोग बुरा मत मानना, बट जो यूट्यूब का कंडीशन है वही मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं तो बहुत सारे भाइयों का चैनल होगा तो उन्हें बुरा लगता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आप लोगों को और भी ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो कंडीशन है उसे आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका जो चैनल है वो उससे मोनेटाइज होने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस ट्रिक्स को जरूर से फॉलो करना ताकि आपका जो चैनल है वो बहुत ही साइंस मोनेटाइज हो जाए। अब गाइस यहां पर वीडियो को लास्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूं जिसे 99% यूट्यूबर्स करते ही करते हैं। अब वो क्या करते हैं, मान ले जाए एक भाई के आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूं, उसके चैनल पर 250 से 300 वीडियोज हैं, 250 से 300 वीडियोज, और वो पूरे के पूरे वीडियो उसी भाई के हैं, और वहां पर उसने मिस्टेक्स क्या किया, बीच में कुछ ट्रेंड कर रहा था, अब वो जो भी हो उस ट्रेंड को उसने किया क्या, किसी और का वीडियो को डाउनलोड कर लिया, शॉर्ट्स वीडियो था, और डाउनलोड करने के बाद उसने उसी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अब वहां पर सिर्फ एक ही वीडियो की वजह से, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो की वजह से उसके 250 से 300 वीडियो पूरे बेकार चले गए। वहां पर यूट्यूब ने उसे रियूज कंटेंट बताकर उसके चैनल को मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि उसे फिर से 14 डेज के बाद रीअप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां पर उसे करना क्या पड़ेगा, उस वीडियो को डिलीट करके फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। वहां पर उसका जो वीडियो रहेगा वो पूरे के पूरे अगर खुद का रहेगा तो बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोगों को ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऐसी गलती नहीं करना है। आप लोग करते क्या हो, हाँ ये जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है तो उसे आप लोग डाउनलोड करके
करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो और वो फिक्स है, वहाँ पर मान लीजिए आपके चैनल पर भी वायरल हो गया और आप लोग उसी वीडियो के थ्रू चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर यूट्यूब 100% आपके चैनल को मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट कर देगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को ट्रेंड को फॉलो करना ही है तो वहाँ पर खुद का वॉइस को ऐड कर दो या फिर उस वीडियो में खुद कुछ ना कुछ बोल दो, वॉइस ओवर कर दो। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, वहाँ पर ट्रेंड का ट्रेंड भी चल गया, वीडियो भी वायरल हो गया और आपका जो चैनल रहेगा उसे किसी भी तरह से मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। तो इस ट्रिक्स को फॉलो करते हुए छोटी छोटी मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करना। और आप लोगों को और भी कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।